कोरोना संक्रमण काल में जिन लोगों ने समाज सेवा करते हुए जरूरतमंदों को राशन पहुंचाया, दवा पहुंचाई, उनके सम्मान का सिलसिला लगातार चल रहा है। सपा सरकार में मंत्री रहे अताउर रहमान ने बरेली शहर के कुछ समाजसेवियों को अपने हाथों से प्रमाण पत्र बांटे। इस मौके पर अताउर रहमान ने कहा कि जरूरतमंदों की ऐसे वक्त में सेवा करना बहुत बड़ा काम है और जिन लोगों ने यह काम किया है वह वास्तव में बधाई के पात्र हैं। इस मौके पर शहर की बड़ी संख्या में समाजसेवी पहुंचे, जिन्हें अताउर रहमान ने अपने हाथों से प्रमाण पत्र वितरित किए। आयोजन में पम्मी खां वारसी समाजसेवी समेत कुछ अन्य लोग भी मौजूद रहे। प्रमाण पत्र बांटने के बाद क्या बोले हैं पूर्व मंत्री अताउर रहमान, आइए सुनते हैं उनकी बात। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। ऐसे में जिन लोगों ने जनता की खिदमत करी अनाज के जरिए, किसी भी रूप में जिन्होंने लोगों की खिदमत करी है, ऐसे लोगों को, क्योंकि लोग घर से निकलना भी नहीं चाहते थे ऐसी ख़तरनाक बीमारी के वक्त में जब लॉकडाउन लगा हुआ था, उन्होंने घर घर जाकर सबकी सेवा की है। ऐसे लोगों को हम लोगों ने पूरे ज़िला बरेली के लोगों को चिन्हित किया जिन्होंने बहुत सेवा की है, उन सब लोगों को हम लोगों ने सम्मानित किया है उनको सर्टिफिकेट देकर। दूसरा ये कि हज में इस बार 10,000 लोगों को ही इजाज़त मिलेगी, बाकी लोगों को जाने की इजाज़त। ये कोरोना की वजह से पूरे दुनिया से जो 180 देशों से 25,00,000 लोग हज करने जाते थे और लोकल वहाँ के अलग से थे, तो वो इस बार उन्होंने सब जगह के लिए मना कर दिया है, सिर्फ वहीं के लोकल लोग रहेंगे। जो यहाँ से भी गए हुए जो वहाँ सर्विस कर रहे हैं वो लोग भी हज कर सकते हैं और 10,000 लोगों को इजाज़त दी है हज करने की।